सिंह मेडिकल सर्विस, जो कि तमाम जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए सभी का मुफ्त में यहाँ पे जो है इलाज किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं ये वो श्रद्धालु को यहाँ पे जो है बीपी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। राम जन्मभूमि अयोध्या में है और हमारे साथ में मैम देख सकते हैं कि तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं जिनके साथ जो भी समस्या होता है तो ओनली एक महिला ही डॉक्टर यहाँ पे अयोध्या में है और बाकी बहुत सारे हैं वो पुरुष डॉक्टर हैं। तो चलिए आज मिलते हैं और बहुत सारे बिंदु पे बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आप थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं वो भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनीता भारद्वाज है, मैं सिक्स सिग्मा मेडिकल की डायरेक्टर हूँ और हम इसके अलावा जितनी भी यात्राएं होती है पहाड़ों में उन सब में मेडिकल सर्विसेज देते हैं और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेली ऐसी महिला डॉक्टर हूँ जो इतनी कठिन यात्राओं में जाके मेडिकल सर्विसेज देती हूँ। हर जगह आप जाते हैं? जी मैं हर जगह जाती हूँ, चाहे वो कैलाश मानसरोवर हो, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, जितनी भी यात्राएं होती है पहाड़ों में वो निशुल्क हर जगह बिल्कुल हर जगह बिल्कुल निशुल्क है। किसी से एक पैसा दान नहीं लेते हम लोग, किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, जहाँ पे भी हमारी सर्विसेज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। कैसे ये संभव होता है, कैसे ये प्लान किया? अभी के डेट में देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला डॉक्टर ही होते हैं और कोई ऐसे ही डॉक्टर है जो कि मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, ये कैसे संभव होता है? देखिए पांच उंगलियां कहीं पे भी बराबर नहीं होती, धरती पर हर तरह के लोग हैं। जो हमारे CEO हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जो मेरे हस्बैंड हैं, वो 2013 में जब त्रासदी आई थी तो केदारनाथ में जाके वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया था उन्होंने। सबसे पहले पहुँच के 511 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया जिसके ऊपर उन्होंने बुक भी लिखी हुई है। तो हमने उसके बाद से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पैसा कमाने के और भी माध्यम हो सकते हैं, सेवा करने का मौका भगवान ने अगर हमें दिया तो हमें दिक्कत नहीं चाहिए। और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को होती थी, तो जिसके लिए फिर उन्होंने मुझे इस काम में जोड़ा और आज अभी तक कि मैं अकेली महिला हूँ जो ये काम कर रही हूँ। और हम इसके साथ साथ जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब से भी ट्रेंड है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, BSF हो, ITBP हो, इन सारी फोर्सों से मैं ट्रेंड भी हूँ और मैं सारी यात्राओं में सर्विसेज देने जाने वाली एक अकेली महिला हूँ अपनी टीम में। जी जी कितने साल से आप जो है डॉक्टर, कितने साल पहले बने हैं आप? मैं 2014 की पास आउट हूँ। जी जी उसके बाद से मैंने आज तक एक रुपया अभी कभी प्रैक्टिस करके एक रुपया नहीं कमाया। मैंने जितनी अपनी प्रैक्टिस करी है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यात्राओं में सेवा देने के लिए। तो हर जगह आप यात्रा में ही सेवा देते हैं कि कभी तो हॉस्पिटल में भी तो जब बैठते नहीं हैं? नहीं मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करती, मैं सिर्फ यात्राओं में ही जाती हूँ। अब यहाँ से भी जाएंगे कहीं तो फिर यात्रा में ही? अभी जी जी बिल्कुल, अब हम यहाँ परमानेंट है राम जन्मभूमि में, हम लोग यहाँ परमानेंट लगाने का हमारा विचार है यहाँ हॉस्पिटल खोलने का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। क्या ये मैंने कैसे ये कभी तो भगवान तो आपको कभी मिला नहीं या कोई स्वप्न में आया, ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं है जो कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं? देखिए भगवान अगर ढूंढो तो हर जगह है, हर किसी के अंदर भगवान ही है। जब कोई एक यात्री परेशानी में दुख तकलीफ में हमारे पास आता है और जब वो खुश होकर या आशीर्वाद दे के जाता है वो साक्षात भगवान ही तो है। अगर भगवान ने यहाँ जब हमें डॉक्टर बनाया है तो किसी न किसी कारणवश बनाया होगा, हर किसी का धरती पाने का एक मकसद होता है। तो मेरा यही मकसद है कि मैं आऊं और लोगों की सेवा करूं। जब यात्रा अच्छी होगी, यात्री खुश होकर जाएगा तो भगवान तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। जी ऐसे आप मान लीजिए कि इलाज क्या क्या चीज़ का कर देते हैं? इसे अभी देखे कि बहुत सारे पेशेंट जो आए, किसी का BP था, किसी का सर्दी हो गया है, तो किसी का जुकाम है, ऐसे आप इलाज क्या करते हैं, ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं? नहीं ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे बेसिक फर्स्ट एड है। हमारे पास यहाँ पे 3 एम्बुलेंस हैं जो कि एक हमने स्पेशली अभी यहीं राम मंदिर के लिए खरीदी और वो यहीं रहेगी। उसके अलावा एक ए एम्बुलेंस, हमारे पास 3 एम्बुलेंस है। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो उसको फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी भी हम एक पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ के आए हैं। तो बेसिक फर्स्ट एड हम यहाँ दे देते हैं, जो जो चीज़ हमारे पास होती है वो हम यहाँ कर लेते हैं। हाँ पहाड़ों में क्या है कि वहाँ पे हमें स्टिचेस भी लगाने पड़ते हैं, कई बारी माइनर ऑपरेशन भी अगर हम लोगों को करना पड़ता है तो हम वो कर लेते हैं। जी जी अच्छा मैम एक चीज़ थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आप तो हर जगह कर लेते हैं, जितने भी तीर्थ यात्रा में भक्त जाते हैं उनका तो आप मैंने सेवा कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी या मैंने अपने देश में लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं जहाँ की डॉक्टर तक उनका पहुँच नहीं हो पाता इलाज की वजह से वो मर जाते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या आपका विचार है? अभी हमारा फ्यूचर में हमारा यही प्लान है कि हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड का एक माउंटेन मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करने का, क्योंकि हिंदुस्तान में 11 स्टेट पहाड़ों पर हैं जबकि एक भी पहाड़ों पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। या पहाड़ों से रिलेटेड जो आप फॉरेन में जाइए वहाँ पर MD होता है, MS होता है उस चीज़ में, पहाड़ों की जो दवाइयाँ होती है माउंटेन मेडिसिन में, हमारे यहाँ पे कोई एक छोटा सा डिप्लोमा भी नहीं होता। तो अभी हमारा फ्यूचर में यही प्लान है कि हम लोग पहाड़ों में जाके पहला माउंटेन मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करें जिससे पहाड़ों में होने वाली दिक्कतों के बारे में और वहाँ पे होने वाले इलाजों के बारे में हम दूसरे डॉक्टर्स को अपने साथ और जोड़े और
ज़्यादा लोगों को ये सुविधा दे पाए। पता है बिहार के कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? बिहार के अभी हमारे पास 2-3 डॉक्टर हैं, तो लेकिन ना हम उन्हें कुछ देते हैं ना हमसे उनसे कुछ लेते हैं, तो ये हमारी सारी निःशुल्क सेवा चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। हाँ, लेकिन हम उन्हें ट्रेनिंग जरूर देते हैं, जो हम लोग फोर्सेज के साथ ट्रेनिंग करते हैं वो हम उन्हें जरूर देते हैं। नहीं लगता कि आप भी कलयुग में एक भगवान का रूप ही है? आप इतना कोई कहना नहीं चाहता, आप इतना कर रहे हैं, तो अपने आप में क्या महसूस होता है? कुछ नहीं महसूस होता, अपने आप को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है कि धरती पे आए हैं तो कुछ भगवान ने अगर किसी कारणवश हमें ऐसा बनाया तो हमें वो सेवा लोगों को देनी चाहिए। ऐसा कुछ और आगे कुछ सपना आपका है? मैम नहीं, मेरा सपना अभी तो हमारा यही है कि हम जो एक इंस्टीट्यूट जो हम बनाना चाहते हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी दर्द की गोली भी मिलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा यही सपना है कि मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर जाऊँ जहाँ इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो प्लेन में तो सब कुछ मिलता है, ठीक है, आप किसी को कुछ तकलीफ होती है, बीमारी होती है तो वो भाग के हॉस्पिटल, डॉक्टर कुछ ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगह है कि लोग जड़ी बूटियों के भरोसे हैं वो लोग आज भी, या भगवान के भरोसे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में जुड़ना चाहती हूँ जहाँ पे सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैंने ना आज तक पैसा कमाया है और ना मैं आगे कमाऊंगी। तो मैम कैसे ये संभव होता है, इतना दवाई आप फ्री में जो बांटते थे कैसे इतना हो जाता है? हम सारे डॉक्टर्स की जो टीम है हम आपस में मिलके करते हैं, या जो हमारी कंपनी है सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर, तो वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम लोग चलाते हैं, तो वहाँ से जो हम पैसा कमाते हैं वो पैसे का कुछ हिस्सा हम इसमें लगाते हैं, बाकी हम जो आपस में डॉक्टर से मिलके अपने आप करते हैं। वास्तव में हम बता रहे हैं मैम कि आज आपसे जो मिले हैं, आज तक हम किसी जितने दिन हम मीडिया में काम करें आपके जैसे इंसान से पहली बार मेरा मुलाकात हुआ, कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो सारा चीज़ मुफ्त ही आप बोल रहे हैं। जी तो अभी हम देखे भी आपको कि आप बहुत अच्छा इलाज भी करते हैं, अपने से हम देखे कि उठ के आप बोले कि आप बैठे रहिए, हम खड़े होकर के उनका इलाज करते हैं, आपसे जुड़ जाएंगे। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे जो भी अभी राम भक्त के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए, थोड़ा सा बता दीजिए कि ठंडी का मौसम है, कैसे बचे बीमारी से? देखिए जैसे मौसम के अनुकूल आपके पास कपड़े होने चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ लोग कपड़े नहीं पहन के आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वहाँ पे कैसा मौसम होगा। लोगों को बीमारियाँ हैं, खुद पता है कि मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मेरे पास दवाई भी है, लेकिन हम लोग यहाँ लाए नहीं है। यहाँ नहीं मतलब हर यात्रा में लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो ये सोचते नहीं दर्शन करके हम दवाई खाएंगे, दर्शन करके खाना खा के दवाई खाएंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो देखिए स्वास्थ्य अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप भगवान की पूजा अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप पूजा करिए, पाठ करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पहले अपने शरीर का स्वास्थ्य ध्यान रखिए। अगर आपकी काया स्वस्थ है तभी आप अच्छे से पूजा कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर आप अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं और भगवान का नाम ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले अपना ध्यान रखिए, बाद में आप भगवान को याद कीजिए, भगवान ज़्यादा खुश होएंगे। अच्छा लगता है मैम कि बिहार, कभी हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे क्षेत्र में कभी आप विजिट के लिए आएंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिहार में घूमी भी हूँ और मैं आगे भी अगर कोई ऐसा होगा तो ज़रूर आना चाहूँगा। तो साथियों बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर, अभी तो हमको साक्षात लगा कि भगवान से ही हम मिले हैं, इतना बढ़िया विचार आज तक हम एक भी किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरव्यू किया इतना अच्छा हमको नहीं लगा, और इतना ईमानदारी से काम करते हैं, फिर जितना भी जो भी दवाई दे रहे हैं सिर्फ निःशुल्क है, एक जगह नहीं कई जगह भी इनका जो है सारा कैंप लगता है, और बहुत सारे हॉस्पिटल भी हैं वहाँ भी मुफ्त इलाज है। तो जरूर है कि आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, हम नंबर भी दे देंगे और जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।